इसका स्पीड चेक करते हैं कितना जाता है। थोड़ा सीधा है, अरे सीधा चलाओ ना प्रो भाई। 60-70 एकदम ही यार, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको ये पकड़ते समय। बंदा ये क्या, ये किस तरह से चल रहा है, अरे क्या क्या कर रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। सो गाइस, इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात से, और एक्चुअली अभी क्या है कि मेरे फ्रेंड के पास थी एक टू व्हीलर स्कूटी, तो उसने रखे थी यहीं पर ही, तो सोचा कि हम चले जाते हैं राइड के लिए थोड़ा सा। एंड दोनों जा रहे हैं अभी, ये आगे चल रहा है बाइक में और मैं जा रहा हूँ अभी स्कूटी में। स्कूटी एक्सेस है सुजुकी की, और अभी जैसा टाइम मिला था थोड़ा जैसा, तो सोचा कि चले जाते हैं आज। थोड़ा भाई भी शरीर भी थोड़ा अजीब जैसा हो रहा था, तो फिर चलते थोड़ा राइड के लिए बोला, तो फिर हम जा रहे अभी दोनों। और उसने फ्रेंड ने भी स्कूटी छोड़ दी थी, तो फिर सोचा कि दोनों एक एक टू व्हीलर लेके चलते हैं। एंड सुजुकी की ये जो एक्सेस स्कूटी है मतलब काफ़ी अच्छी है, तो मतलब स्पीड एकदम ही पकड़ लेती है एक देखने के हिसाब से, मतलब एक तो बहुत जल्दी ये स्पीड पकड़ लेती है। तो अभी नाइट राइड करेंगे आज हम, ज़्यादा नहीं बस एक घंटे तक हम चलेंगे राइड में, फिर आ जाएंगे हम वापस से। लेट्स सी कि कैसा होता है। एक्चुअली हम नाइट को चल रहे तो थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, अभी तो पूरी उतरा ही है ऐसा, पूरा डाउन ही डाउन है, तो चल रहे हम थोड़े सही स्पीड में जा रहे हैं, मतलब उतना स्पीड भी नहीं है, नॉर्मल स्पीड है। अभी हम आराम से जाएंगे थोड़ा अपना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो अभी मैंने थोड़ा एंगल कर दिया है ऊपर जैसा ना, पता नहीं कैसा व्यू आ रहा है, तो आई होप कि बेस्ट होगा। आराम से चलेंगे स्कूटी में, तो एक तो टायर छोटे होते हैं, इसका ऐसा डर होता है कि थोड़ा इंजन बजने का डर रहता है खड्डों में। अब यहाँ से थोड़ा प्लान आया, इसका स्पीड चेक करते हैं कितना जाता है। थोड़ा सीधा है, भाई 60-70 एकदम ही यार, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको ये पकड़ते समय, मतलब काफ़ी जल्दी पकड़ लेता है स्पीड एकदम ही। ये चीज़ मस्त बनाई है सुजुकी ने। और जो एंटॉर्क है, एंटॉर्क का क्या है कि थोड़ा स्पीड लेट पकड़ता है, लेकिन वो बेस्ट है, बट ये भी काफ़ी अच्छा है, स्पीड एकदम ही पकड़ लेता है। मतलब नाइट राइड का तो फील ही अलग है यार, रात में चलने का, बट थोड़ा डर भी रहता है, तब भी हम ध्यान से चलेंगे। एक तो पहाड़ों के रोड ऐसे खतरनाक होते हैं कि टर्न ही टर्न आ जाते, साधन आगे दिखता भी नहीं है कुछ। और हमारे दोस्त लोग भी हैं नीचे, तो उनसे मिल के भी जाएंगे, क्या पता वो भी हमारे साथ चले, एक बार पूछना पड़ेगा उनसे भी। तो अगर जाएंगे तो, वैसे आज हमारे पास दो है बाइक्स वगैरह, तो अगर वो भी जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। अभी तो जाएंगे, पहले पूछेंगे भी उनसे, अगर वो एग्री होते तो बेस्ट है, नहीं तो फिर हम आ जाएंगे वापस। क्या है, कितना टाइम लगेगा। अरे गाय, अरे बीच रास्ते में कैसे खड़े हैं, नर्से ही चलते हैं। अरे इसको देखो यार कैसा चला रहा है ये, फिर यार गिरेगा तब पता चलेगा इसको यार। बंदा चलता रहा है, पैर देखो ना इसके, पैर कहाँ रखा है, जहाँ क्रैश गार्ड होता है वहाँ रख रहा है पैर ये। अरे सीधा चलाओ ना प्रो, गाड़ी आगे थी यार थोड़ा सा। लेट्स चेक द स्पीड भाई साहब, बहुत ही खतरनाक स्पीड है यार इसकी। अम्मी, अरे क्या क्या कर रहा है तू, बंदा है कि क्या, ये किस तरह से चल रहा है ये भाई यार, क्या चल रहा है ये। सॉरी, हम पहुंचने वाले लोंडो के पास, पता नहीं कहाँ है वो, देखते हुए फ़ोन करना पड़ेगा उनको। अरे इसकी हरकत ना, एक दिन लेट हुई गई इसकी हरकत, इसको सीधा चलना है यार, क्या बनना है कि क्या यार। बस यहीं रोक दो, रोकते हैं उनको लौंडे को।